She's lost so much weight. Yeah. Oh my God. Mummy, suna aapne? Oh my God. Ek minute pehle ma'am mujhe dekhne do Neetu ma'am. Didima ji. Didima ji, Neetu ma'am. Kyunki ma'am pata nahi chal raha maa kon hai beti kon hai. Ek baar inki fitness ke liye zordar taaliyan ho jaye yaar. Neetu ma'am, main aapki itni badi fan hu. Main Indian Idol mein gayi, aap usse pehle nikal gayi thi karke. Main Super Dancer mein gayi, aap wahan se nikal gayi thi. Thank God. Finally, आप हमारे शो में आए हैं. मेरे से बड़ी मेरी मम्मी आपकी फैन है. मम्मी ने कहा था जैसे ही नीतू मैम मिले उनको पहले टच करना. हाँ मम्मी, सेम स्किन वैसी है जैसे आपने कहा था. बाल भी मम्मी वैसे ही हैं, बस इनके तेल नहीं लगा हुआ. मेरी मम्मी के सर पे इतना तेल लगा होता कि रोटी बनाते वक्त इधर भी घस के दे देंगी ना, आपको लगेगा घी लगा के दिया है. Oh God. भाई दोनों हीरोइने कहाँ से बना ली भाई. मतलब इतनी फिटनेस, मतलब आप माँ बेटी एक सोफे पे बैठी. अर्चना मैम कितनी ग्रेसफुल लग रही हैं. मैं घर में अपनी मम्मी के साथ सोफे पे बैठती हूँ, ऐसे लगता गद्दे तय लगा के रखे हुए हैं. ये सारा कसूर मेरी मम्मी का है. एक्चुअली पंजाबी मम्मियाँ भोली बड़ी होती हैं. उनको लगता है कि सारी उम्र बच्चों को और पति को ही खाना खिलाना है. वही हाल करके बेड़ा गर्क किया है मम्मी ने. सच्ची कह रही हूँ मैम, ये सारा ना मम्मी का कसूर है. मैंने कुछ दिनों पहले कहा कि मम्मी मैंने आज से नाश्ता नहीं करना, मैंने फिट होना है. गर्म तवा लेके आ गई, कहती नाश्ता नहीं करना, ये जो चार पराठे बनाए हैं ये खराब जाएंगे. मतलब पराठे नहीं खराब जाने चाहिए, बच्चा खराब हो जाएगा. मेरी शादी होगी, मम्मी से दूर हूँ ना, इसीलिए पतली हुई हूँ. मम्मी इतना खाना खिलाती थी. मतलब आपके घरों में फ्रिज होते हैं ना एक्स्ट्रा खाना रखने के लिए, हमारे घर में बच्चे होते हैं. सच्ची, हमारे घर में दाल पच जाए बेटा घी डाल के दाल तड़का लगा दो, पापा को दे दो. पराठे बच जाए घी लगा के पराठे गर्म कर दो. मतलब नीतू मैम हमारे घर में इतना घी, आप कभी हमारे घर में आ जाओ, आप पहले जो बेल बजाएंगी ना उसमें घी लगा होगा. फिर जो दरवाजे का कुंडा खोलेंगी उसमें घी होगा. फिर रिमोट पकड़ेंगी उसमें घी होगा. टीवी की स्क्रीन में घी, शीशे में घी. इतना घी इतना मार्केट में नहीं है रिद्धिमा जितना हमारे घर में घी है. आप लोग का नाश्ता एवोकाडो, ओट्स और भी कई चीजें होती जिसके मुझे नाम भी नहीं आते है ना. हमारे घर में आके देखो कभी आप. आपको पता नीतू मैम, 500 रुपए का एक एवोकाडो लेकर गई घर. एक हफ्ता मेरी मम्मी ने फ्रिज से नहीं निकाला. मैं क्या मम्मी कदों कटना जी हो, कहते अमरूद तो कच्चा है अभी. मैं क्या मम्मी वो अमरूद नहीं है, एवोकाडो है. मैंने काट के अपनी माँ को खिलाया, फिटे मुझ तेरा. एक तो सूखा ऊपर से फीका. मतलब पंजाबियों को हर चीज मीठी और ऑयली चाहिए. ये तेरे बहाने है भारती, तेरे हाथ में है ना खाना, तू मत खाया कर. पाजी मेरे हाथ में होता तभी तो मेरे मुंह में चला जाता है. कोई रोक ही नहीं सकता. हम पंजाबियों को तो एक ही चीज पसंद आती है अर्चना मैम, आलू के पराठे. ओए ओए, मतलब आलू के पराठे देख के मुझे ऐसे लगता है मेरी रणवीर सिंह को देख लिया है. ऐसे मतलब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती. तो दिमाग में मेरे को ऐसा लगा कि चलो पंजाबी घर पैदा हुई हूँ, अमृतसर में आलू खा खा के इतनी मोटी हो गई हूँ. शादी क्या पता थोड़े अच्छे घर में हो, फिट लड़का हो. ऐसा शादी भी गुजराती घर में हो गई. स्वीट, पहली बार ये सारे गुजराती. ये देखो, मैंने जिंदगी में पहली बार गुजरातियों के घर यानी कि अपने ससुराल में जाके चाय से भी पतली चीज देखी थी, खाखरा. इतना पतला खाखरा, मैं चाय के साथ 150 खाखरे खा गई फिर भी मुझे भूख लग गई. मतलब खाखरे से मोटा तो उसके ऊपर स्टिकर लिखा होता है जिसके ऊपर लिखा है ना खाखरा, वो मोटा होता है यार. तू आज घर जाएगी ना, आज देखना ससुराल वाले तेरे को क्या नहीं, बनाते नहीं, तेरे वो बहुत अच्छे हैं. गुजराती लोग बहुत अच्छे होते हैं. ये इतने गुजराती बैठे मुझे ऐसे लग रहा है कि आज आप मुंबई में नहीं भावनगर में शूट कर रहे हैं. फिर भी तूने काफी वेट कम कर लिया भारती अब तो. हाँ जी, मैंने बहुत कम किया है सच में. रितु मैम आप मुझे ना कभी शादी से पहले देखती, मैंने 3 नेकलेस पहने थे लेकिन एक ही दिख रहा था. मैं जब विदाई होके ससुराल गई ना, मैंने अपनी डबल चीन उठाई, 2 नेकलेस निकले. मेरी सास ने कहा ठीक है 3 बोले थे, 3 ही पहन के आई है. सच में. लेकिन मैंने देखा है रितु मैम आप बड़ा योगा वोगा करते हैं, बॉडी स्पा जाते हैं. क्योंकि कपिल पाजी जब ये लोग स्पा लेते होंगे ना, तो इनके स्पा वाले बाहर निकलते होंगे तो पूरा फ्रेश होते होंगे. यस मैम, कैसा लगा स्पा?
हम कभी स्पा कराने जाए ना तो हमारे स्पा वाले हमारे स्पा के बाद ऐसे निकलते पानी देना कोई भारती जी का स्पा किया है पानी देना कोई फिर उसके बाद उसका स्पा करना पड़ता है सच में रितु मैं सच में काफी पतली होना चाहती थी लेकिन ना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं लेकिन मुंबई आके मैंने देखा हर चीज में चेंज यहाँ के बच्चे बहुत कम बोलते हैं मैं कल अपनी फ्रेंड के घर गई बच्चा कुछ दीवार पे कर रहा था मेरी फ्रेंड ने कहा नो बच्ची ने उसी वक्त पेंसिल नीचे रख दी सॉरी मम्मा और अपने कमरे में चला गया कट्टू मैं अपने घर गई मेरी बहन की बच्ची कुछ कर रही थी मेरी बहन ने कहा नहीं तू आगे से कहती क्या हमारे बच्चे ऐसे क्यों होते हैं और मैंने शादियों में भी यहाँ पे देखा है कि बच्चा अपना सैलेड लेके बैठा होगा और मैं पूछती हूँ कि ये क्या खा रहा है इसका स्टमक अपसेट हो जाता है ना इसीलिए सिर्फ कैरेट खाता है और हमारे पंजाबियों के बच्चे अगर प्लेट में थोड़ा खाना लेके बैठ जाए ना तो मवाई ऐसे हो जाती है उधर हलवे का स्टॉल लगा उधर जाके खा जाके कोल्ड ड्रिंक पी क्या पेस्ट्रियां भी खा समोसे कौन खाएगा तेरा प्यो जा बच्चे को ऐसे पकड़ के कहती है सारा कुछ इधर ही ठूस ले घर जाके अगर कहा ना भूख लगी मैंने नहीं खाना बनाना बच्चा डर के मारे सारा कुछ ठूस लेता है ओह माय गॉड और मैंने यहाँ पर लेडीज भी नीतू मैम देखी है मुंबई में आके ना बड़ी चीजें मुझे अच्छी लगी कि स्लो बोलती है यू नो डार्लिंग हम तो गए थे स्विट्जरलैंड ये भी थे साथ में स्नो फॉल हो गई हम लोग 10 days और रुक गए स्वीटहार्ट हमको तो कोई फर्क नहीं ये भी खुश हो गए यही बात हमारी मम्मी का सुनो हाय पाजी वैष्णो देवी गए हमारा पैकी सारे होटल से बैग सारे कंबल गिले हो गए पाजी बैठे रे तेरे प्यो ने क्लेश पाता होते हैं मैं फिर हो गया डांटते इतना फास्ट बोलती है ऐसे लगता है कि दूध उबल जाएगा इनका फ्लड बंद करके आए ओह माय गॉड लेकिन जो भी है हमारी मम्मियाँ बड़ी प्यारी होती हैं सच्ची बहुत पंजाबी मम्मियाँ देखो सारी पंजाबी मम्मियाँ बैठी हैं चेहरी पंजाबी मॉम्स रॉक यस पंजाबी मॉम्स रॉक थैंक यू सो मच मैम मैं आपकी सीरियसली बहुत बड़ी फैन हूँ मैम थैंक यू सो मच थैंक यू एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.